नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्य से देश के सभी किसानों को संबोधित करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 9 करोड़ परिवारों को 18 करोड़ रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया, जिससे वो पैसा किसानों के सीधे खाते में पहुंचा। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने के सभी किसानों से बात की और किसानों की बातों को सुना। इसके उपरांत रामपुर के तहसील शाहबाद राजकीय इंटर कॉलेज में सभी क्षेत्र से आए हुए किसान एकत्रित होकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। जिसके उपरांत क्षेत्रीय विधायक का राजबाला ने अपने क्षेत्र से आए हुए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों के बीच विष घोलने का काम कर रही हैं, जिससे किसान ऐसी राजनीति पार्टियों से सतर्क रहें, जिससे किसान उनके बहकावे में ना आए। और इतना ही नहीं, क्षेत्रीय विधायक राजबाला ने अपने क्षेत्र के किसानों को सरकार की अनेक योजनाओं के बारे में समझाया। इस सम्मेलन में उपस्थित भाजपा नेता दिलीप सिंह लोधी, पूर्व जिला महामंत्री सुरेश बाबू गुप्ता, पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह, भारतीय गौरक्षा वाहिनी के जिला अध्यक्ष धर्मपाल सिंह लोधी, मनीष शर्मा और शाहबाद तहसील के अधिकारीगण मौजूद रहे।